कानपुर में बैंक लॉकर से जेवर गायब होने के मामले में पीड़ितों ने गले में फंदा डालकर प्रदर्शन किया। हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों ने जमकर नारेबाजी की। बिरहाना रोड पर प्रदर्शन कर रहे लोगों ने मुआवजा नहीं मिलने पर आत्महत्या करने की धमकी दी। आपको बता दें कि कानपुर की दो बैंकों में हुए लॉकर चोरी मामले में पीड़ित लगातार आंदोलनरत हैं। व्यापारियों का कहना था कि लॉकर टूटने का ये कानपुर में 11वां मामला सामने आ चुका है। केंद्र और यूपी सरकार से जल्द न्याय की गुहार उन्होंने लगाई है। जल्द ही साथ ही चेतावनी भी उन्होंने दी है, यदि जल्द उन्हें न्याय नहीं मिला तो यह आंदोलन सड़कों पर और व्यापक होगा। वहीं पीड़ित महिलाओं ने योगी और मोदी सरकार से करुण पुकार करते हुए गले में रस्सी बांधकर न्याय की गुहार लगाई है। उसका कहना है कि जल्द उन्हें न्याय ना मिला तो वो आत्महत्या को मजबूर होंगी। पीड़ितों ने गले में वेदनहीन ऐसा निर्मम कोई हमने किसी व्यक्ति को नहीं सोच सकते जिसके अंदर इतनी मानवता नहीं है कि जिसको उन्होंने पूरी तरीके से लूट लिया, जिसका उन्होंने लॉकर में डकैती डाली, खुद अमानत में खयानत करी, रक्षकों के भक्षक बने। आज 10 दिन से उनके मुंह में ऐसा कुछ भी कि इनके पास एक शब्द नहीं है आश्वासन का, भरोसे का, कि उस यकीन का जो हर आम भारतीय के अंदर बैंकिंग लॉकर व्यवस्था के ऊपर है, एक शब्द नहीं बोला है। उनके कानों में जू नहीं रेंग रही। आज मैं इसलिए कि अगर मुझे न्याय नहीं, मैं अकेले लड़ नहीं पाई तो मैं यहाँ पे चौराहे पे सब सेंट्रल बैंक वालों के साथ मिलकर शायद मुझे न्याय मिल जाए। इसलिए मैं आज फांसी का फंदा लेकर मैं अपने आत्महत्या करने को इन लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया, और मैं अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं सचमुच में आत्महत्या कर लूंगी। मेरे बुढ़ापे की जिंदगी का मेरा सब